हाउ टू चेक स्टेटस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपने मूव की है उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे? आपको विजिट करना है www.gst.gov.in पर। सर्विसेज टैब में आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाता है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बेसिकली जो है वो मांगा जाता है, ARN। तो ARN जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, ARN जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो कुछ देर बाद आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ही मिल जाता है। वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। आफ्टर दैट कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, फॉर्म नंबर, कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया है, डिस्क्रिप्शन, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या फिर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन की है, डेट ऑफ सबमिशन क्या है, स्टेटस क्या है। तो ये स्टेटस बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। असाइंड किसको किया गया है, स्टेट को। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो या तो स्टेट को असाइन कर दी जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट को, या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट को असाइन कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टेट के अंदर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको असाइन की गई है और आपकी ज्यूरिडिक्शन भी जो है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है। अब स्टेटस के अंदर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेटस आपको दिए गए हैं। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, इट मींस एप्लीकेशन फाइल सक्सेसफुली पेंडिंग विद टैक्स ऑफिसर फॉर प्रोसेसिंग। क्या आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली फाइल तो हो गई है लेकिन वो टैक्स ऑफिसर के पास प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई ऑब्जेक्शन जो है रेज किया गया है बाय द ऑफिसर, और उस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना है, क्लैरिफिकेशन फाइल करनी है विद इन 7 वर्किंग डेज। नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द ऑफिसर, फाइल क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द डेट ऑफ नोटिस ऑन पोर्टल। तो ऑफिसर को लगता है आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी उसके अंदर कोई कमी है, आपने जो मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट पे जो अटैच किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच किया वो विजिबल नहीं है या फिर उसके अंदर कोई गलती है, तो ऐसे में वो क्या करता है आपको नोटिस देता है क्लेरिफिकेशन के लिए, और आपको क्या करना है 7 डेज के अंदर आपको वो क्लेरिफिकेशन फाइल करनी है। नेक्स्ट जब आप क्लेरिफिकेशन फाइल कर देते हैं तो स्टेटस आपका चेंज हो जाता है, क्लेरिफिकेशन फाइल पेंडिंग फॉर पोर्टल। दैट मींस आपने क्लेरिफिकेशन तो फाइल कर दी है लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, जो टैक्स ऑफिसर है उसके ऑर्डर का जो है वो वेट कर रहे हैं और ऑर्डर के लिए पेंडिंग है। क्लेरिफिकेशन नॉट फाइल्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपने क्लेरिफिकेशन फाइल ही नहीं की है और 7 वर्किंग डेज का टाइम आपका जा चुका है तो ऐसे में यहाँ पर स्टेटस आ जाता है क्लेरिफिकेशन नॉट फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट एंड पेंडिंग विद टैक्स ऑफिसर फॉर रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लेरिफिकेशन फाइल नहीं करेंगे तो जनरली आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर ही दिया जाता है। अगर आपने क्लेरिफिकेशन फाइल की है और ऑफिसर को लगता है आपने सही क्लेरिफिकेशन दी है तो ऐसे में वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देता है, अप्रूव। उसके बाद आपका जो स्टेटस आ जाता है वो अप्रूव्ड होता है, एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड ईमेल्ड टू द एप्लीकेंट। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होता है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए जो दी थी उस पर आपको जो है फॉरवर्ड कर दी जाती है। और अगर आपने जो क्लेरिफिकेशन दी वो सही नहीं लगती है ऑफिसर को या फिर आपने क्लेरिफिकेशन दी ही नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्टेड का ऑर्डर पास कर देगा, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय द टैक्स ऑफिसर। विदड्रॉन मीन्स अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए और बाद में आपको लगा कि आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने समय रहते अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर ली है, वैसे में यहाँ पर स्टेटस जो आ जाता है वो आ जाता है विदड्रॉन। इट मीन्स बाय द टैक्स पेयर या बाय द एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन विदड्रॉ कर ली गई है, वो उसको फर्दर प्रोसेस करने नहीं देना चाहता। टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो अगर आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर की इनरोलमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें जो टाइमलाइंस है वो प्रोसेसिंग की वो एप्लीकेबल नहीं होती है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आपके लिए स्टेटस जानना जरूरी होता है कि स्टेटस क्या क्या होते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने एआरएन से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऑफिसर ने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया है, कोई क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे में सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके पास जो आपकी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आईडी होगी उसके जरिए आपको लॉगिन करना होगा और आफ्टर दैट क्लेरिफिकेशन सबमिट करनी होगी।